सोनियाजी गांधी यांच्या ईडी चौकशीवर राष्ट्र सेवा दल अध्यक्ष लालजी देसाई यांची प्रतिक्रिया। आताची सर्वात मोठी बातमी आपण पाहतोय। तो ये जो सोच में जो फर्क है, हम लगातार तैयार है कांग्रेस के कार्यकर्ता। एक तरीके से मैं धन्यवाद करूंगा भाजपाई संघी शासकों का कि हमारे कांग्रेस के सोते हुए शेर पूरे देश में आज रास्ते पर जो है। वो कारण यह है कि जितना जितना आप हमारे नेता को परेशान करने की कोशिश करोगे, हम उतने ही ताकत से रास्ते पर आएंगे और उतने ही ताकत से जवाब देंगे और जनता के बीच में जाकर ये कहेंगे कि ना राशन है ना शासन है, आज देश में दुशासन है। हमारे साथी इसलिए कहते हैं कि मोदी शासन कैसा है, रंगा बिल्ला जैसा है। तो ये रंगा बिल्ला वाली सोच है, ये संघी सोच है। देश के आजादी के जंग में गद्दारी करने वाले सावरकर से लेकर नथुराम गोडसे जैसे लोगों की सोच वाले लोग शासक है, तो उनके मन में हिंसा है, उनके मन में झूठ है। हम सत्य और अहिंसा के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार लड़ी है, लड़ते रहेंगे, जनता की आवाज को उठाएंगे। वो ईडी की नोटिस भेजे, सीबीआई की नोटिस भेजे, हम महंगाई के मुद्दों को उठाते रहेंगे, हम रोजगार के मुद्दों को उठाते रहेंगे, हम जनता की हर समस्या के लिए अपनी आवाज उठाएंगे। हमें वो रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि हम कहते हैं ना डरे ना डरते हैं, उनको गांधी कहते हैं, ना डरे ना डरे। तो ना कभी डरे नहीं है, सत्य के लिए लगातार हम लोग लड़ते रहेंगे। उनका कहना है कि नेशनल हेराल्ड जो पूरा इशू है, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। मैं भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा लिस्ट नरेंद्र मोदी और अमित शाह का देना चाहता हूं आपको। अगर आप में और मोदी शाह की सरकार में दम है तो उसकी जांच कर। अदानी को गुजरात में एक